हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया पार्ट डेडपुल मर्स विद द माउथ का। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर एक स्पेस शटल के जरिए वो हाइड्रा लीडर हाइड्रा स्पेस स्टेशन पर जाता है, जहां पर वो वहां के दो हाइड्रा एजेंट से कहता है, जल्दी से जल्दी अपने कैप्टन को बुलाओ, मुझे उनके साथ कुछ डिस्कशन करना है। हमें मिशन पैरामीटर्स अमेंड करने हैं और एक स्मार्ट एस है जिसे मुझे सच में मारना है। और तब हम देखते हैं उस स्मार्ट एस को, जो कि डेडपुल था। वो जॉम्बी डेडपुल से किसी बात पर बहस कर रहा था और तभी नहाकर निकलती है डॉक्टर बेटी, जिसे देखकर डेडपुल हैरान हो जाता है और कहता है, तो तुम शावर में नेक और वेट थी और इसी तरह से शावर वर्क भी करते हैं, है ना? तब उसकी बात का जवाब न देते हुए डॉक्टर बेटी कहती है, हम अभी थोड़ी देर में एम स्पेस स्टेशन पहुँचने वाले हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये मिशन कम्प्लीट हो रहा है। और डेडपुल उस वक्त ताक रहा था डॉक्टर बेटी को। डॉक्टर बेटी कनेक्शन इस्टेब्लिश करके कहती है, एम स्पेस स्टेशन, यह डॉक्टर बेटी स्वानसन, प्री सिलेक्टेड सीक्वेंट फ्रिक्वेंसी पर, और मैं अप्रोच करने के लिए परमिशन मांग रही हूँ, हमें कहीं ब्लास्ट मत कर देना। जिस पर वहाँ से रिप्लाई आता है, कॉपी दैट, हमने आपका अप्रोच मंजूर कर लिया है कमांडर, आपके उस कार्गो के बारे में जानना चाहते हैं। जिस पर जॉम्बी डेडपुल कहता है, ये मैं हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ, कह देना उनसे। जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है, कार्गो यहाँ पर है, हम अंदर आ रहे हैं। अंदर जाकर डेडपुल को थैंक्स कहते हुए सब कमांडर कहता है, एक्सीलेंट वर्क मिस्टर विल्सन, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे और डॉक्टर स्वेंसन, हम आप पर ओवरलुक नहीं कर रहे हैं, आपने भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, हमें पता है। जिस पर डेडपुल कहता है, थैंक यू और पैसे कैश में देना, क्योंकि मुझे वो वाइट पैक और ग्रीन डॉलर्स ले जाना अच्छा लगता है। तब जॉम्बी डेडपुल कहता है, लेकिन मेरा क्या, मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, मुझे कुछ मिलेगा? जिस पर सब कमांडर कहता है, ये बात कर सकता है, और डॉक्टर स्वानसन से कहता है, इसलिए जाकर कंटेन करके रखिए। उसे देखकर डेडपुल कह रहा था, तो तुम उस लिटिल गाय के साथ क्या करने वाले हो? तब टॉपिक चेंज करते हुए सब कमांडर कहता है, हमने इस मीन टाइम में आपके लिए एक कमरा तैयार रखा है, आपका सारा लगेज वहाँ पर है और जाकर फ्रेश हो जाइए। जिस पर डेडपुल कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है मुझसे बदबू आ रही है और मुझ में से विविक कार्टून स्मेल लाइन्स निकल रही है। डेडपुल यहाँ पर एम एजेंट्स को बता रहा था कि उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है, और इसी बीच डॉक्टर बेटी कंटेन कर रही थी जॉम्बी डेडपुल को, जहाँ पर वो कहता है, अब हम दोनों अकेले हैं तो बताओ बाकियों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है, तुम अब इसी कंटेनर में रहोगे जब तक हम अर्थ नहीं पहुँच जाते। जिस पर वो कहता है, तुम मुझे पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो। तब गुस्सा होकर डॉक्टर बेटी कहती है, अगर तुमने बकवास की तो एयरलॉक के बाहर फेंक दूंगी, और मुझे पता नहीं लग रहा कि तुम दोनों में से वर्स कौन है, तुम या दूसरा वाला। तब हम देखते हैं डेडपुल को, जो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए कह रहा था, तो वो उस हेड के साथ क्या करेंगे? सब लोग मारे जाएंगे, सब तरफ जॉम्बी वायरस फैल जाएगा, वो लोग भी मारे जाएंगे जो मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो मेरे अपने हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, तो मुझे उस जॉम्बी हेड को वापस लाना होगा। और तब वो दूसरी आवाज़ कहती है, तो कुछ ऐसी रैंडम घटनाएं होती है जो कन्वीनियंस डाइवर्जन ले आती है, और तभी हाइड्रा एजेंट्स अटैक करते हैं एम स्पेस स्टेशन पर। अटैक होता देखकर एक एजेंट अपने सब कमांडर को रिपोर्ट करता है, और इसी बीच डेडपुल ढूंढ रहा था उस साइंस लैब को और कह रहा था, तो ठीक है, हमें पहले साइंस लैब ढूंढनी है, फिर हेड लेना है, एक शिप चुरानी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इतना आसान है कि क्यूमैन भी इसे कर पाए। और तभी हाइड्रा शिप पर उनका कमांडर कहता है, वेल्डन कैप्टन, अब एक और बैरेज दो, उन्हें डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि हमें अभी भी वो कार्गो चाहिए, उन्हें सॉफ्टन कर दो। और तब वो कैप्टन दूसरा अटैक करता है। इसे देखकर एम सब कमांडर कहता है, तो हमारे पास रिटर्न फायर करने के लिए कुछ है? जिस पर एक एजेंट जवाब देता है, हमारे पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही है सर, लेजर्स, प्रोटॉन्स, कैनन्स और मिसाइल्स। जिस पर एम सब कमांडर कहता है, तो ठीक है, हम इन्हीं के साथ उन्हें सैंपल दिखाएंगे हमारी ताकत का, और वो हाइड्रा शिप पर अटैक करने लगता है। जिसे देखकर वहाँ का सब कमांडर कहता है, तो दूसरा बोर्डिंग शटल लॉन्च करो कैप्टन, और उनके अप्रोच को कवर करो लेजर फायर के साथ। हमला जारी था, और इसी बीच एम एजेंट कहता है अपने कमांडर से, सर उन्होंने शफल्स अप्रोच कर दिए हैं। जिस पर एम कमांडर कहता है, तो अलर्ट कर दो मास्टर एट आर्म्स, प्रिपेयर करो रिपेल बॉर्डर्स। इसी बीच डेडपुल ढूंढता हुआ आ रहा था उस हेड को और कह रहा था, हेड क्या तुम यहाँ पर हो? जिस पर कंटेनर में बंद हुआ जॉम्बी हेड कहता है, मैं तुम्हें इनवाइट करता अगर यहाँ पर डोर्स होते, विंडोज होती, चेयर होते या कम से कम एयर होता। तो डेडपुल
उस कंटेनर को तोड़ते हुए उसे बाहर निकालता है। जॉम्बी डेडपूल को लेकर डेडपूल भाग रहा था, जहाँ पर जॉम्बी डेडपूल कहता है तो और तेजी से भागो चैम्प, जिस पर डेडपूल जवाब देता है हाइड्रा अटैक कर रही है, हमें एक स्पेसशिप चुराना होगा। और डॉक्टर बेटी हम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते, जिस पर जॉम्बी डेडपूल कहता है ड्यूड उसे भूल जाओ, वो बहुत ही लंबा फ्लेनल पहनती है, तुम मेरा मतलब समझ ही गए होगे। जिस पर डेडपूल कहता है नहीं मैं नहीं समझा, और तभी अटैक होता है उस शिप पर। हाइड्रा सब कमांडर ऑर्डर देता है इवैक्यूएट करो अभी, और तभी हाइड्रा एजेंट्स अंदर घुस जाते हैं उस स्पेस शटल के जो कि एम का था, और वहां पर जाकर वो कमांडर से कहते हैं हैंगर बे कट ऑफ करो, उनके एस्केप का सारा रास्ता बंद कर दो। अंदर साइंस लैब में डॉक्टर बेटी उसे कहती है सर स्पेसिमन मिसिंग है, वो चला गया। जिस पर सब कमांडर कहता है भूल जाओ उसे स्वेंसन, हमारा मेन कॉन्सर्न है यहाँ से बाहर निकलना और एक्सप्लोजिव डीकम्प्रेसेशन, चलो मेरे साथ आओ स्पेस शटल की तरफ। जहाँ पर एम एजेंट्स भागते हुए कह रहे थे हम लगभग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हाइड्रा एजेंट्स कह रहे थे हम उस स्पेस शटल तक पहुँच चुके हैं, अपने वेपन्स रेडी रखो। तब एम सब कमांडर सबको कहता है दूसरा शटल उन सबको फ्राइगेट होल्ड करके रखेगा जब तक हम यहाँ से एस्केप नहीं कर लेते। और वही दूसरी तरफ डेडपूल गाना गाते हुए और डांस करते हुए आ रहा था जॉम्बी डेडपूल के साथ, और एक जगह हाइड्रा एजेंट्स और एम एजेंट्स आमने सामने आ जाते हैं, और वहीं पर आ जाता है डेडपूल जॉम्बी डेडपूल के साथ। उन्हें देखकर फायरिंग शुरू हो जाती है, और इसी बात का फायदा उठाकर डेडपूल जॉम्बी हेड और डॉक्टर बेटी को लेकर वहां से भागने लगता है। डेडपूल लेकर भाग रहा था बेटी को, जहाँ पर वो कहती है तुम इस हेड के साथ क्या कर रहे हो, मैंने इसे सेफली लॉक किया था। जिस पर डेडपूल कहता है सेफली माय शेपलेस, तुम इसे वेपनाइज करने वाली थी, जॉम्बीफाई करने वाली थी पूरे वर्ल्ड को। जिस पर बेटी कहती है मैं सिर्फ साइंस एंड की तरफ हूँ, मैं किसी भी वेपन को यूज नहीं कर रही थी। और तभी एम सब कमांडर मर जाता है, जहाँ पर एक एजेंट आकर उससे पूछता है हम अभी आपके लिए मेडिकल हेल्प का इंतजाम करते हैं, जिस पर वो कहता है नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा अधूरा काम पूरा करो। और तब वो एक स्पेस शटल लेकर वहां से जाने लगता है, जिसे पकड़कर डेडपूल उसका हेलमेट निकाल कर उसे गन दिखाकर कहता है तो हमें फ्लोरिडा ले चलो, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ, समझे। और तब उसे दिखता है कि वो बॉब है, जिस पर वो कहता है नहीं सर मैं बेल हूँ एजेंट ऑफ एम। तब गुस्सा होकर बेटी कहती है तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। एक स्पेस शटल में डेडपूल एक एजेंट और बॉब बैठे थे, जहाँ पर बॉब कह रहा था हमारे पास सिर्फ यही एक है, हम इस फ्रैगेट के जरिए हार सकते हैं, अगर हम लकी हुए तो बच भी जाएंगे। जिस पर डेडपूल कहता है तुम गलत हो बॉब, जैसा कि हान सोलो ने रिटर्न ऑफ जेडाई में कहा है कैजुअली फ्लाई करो। जिस पर दूसरा एम एजेंट कहता है एक्चुअली मुझे नई तीन फिल्में पसंद आई जिनमें अच्छा स्पेशल इफेक्ट है और वो फैंटेस्टिक है। जिसे सुनकर डेडपूल उसकी तरफ देखता है और थोड़ी देर बाद उसे अपनी गन से शूट कर देता है, और बॉब से कहता है कहो जार जार ब्लिंक्स इज एन अबोमिनेशन, और बिल वही कहने लगता है। उसके कहने के बाद डेडपूल उससे कहता है ये फैंटास्टिक है बिल, तुमने अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर दी है, अब मुझे तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, क्या इस शटल पर डेंजरस एक्सप्लोजिव्स है। और तब हाइड्रा एजेंट्स देखते हैं कि एक शटल उस स्पेस स्टेशन से अलग हो रहा है, जिसे देखकर हाइड्रा एजेंट अपने कमांडर से पूछता है सर वो शटल ब्रेक कर रहे हैं, क्या मुझे परमिशन है ओपन फायर करने की। जिस पर कमांडर कहता है मुझे कोई भी सर्वाइवर्स नहीं चाहिए, लेकिन तभी डेडपूल उनके साथ कॉन्टैक्ट करता है, जिस पर हाइड्रा कमांडर कहता है उसे स्क्रीन पर दिखाओ, जिसे देखकर वो कहता है तुम, मुझे पता था तुम ही होगे। जिस पर डेडपूल कहता है हाँ मैं, और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सरेंडर की टर्म्स डिस्कस करने आया हूँ। जिस पर हाइड्रा सब कमांडर गुस्से में कहता है तुम मुझे ये बताओ कि अगले 3 सेकेंड में मैं तुम्हें ब्लास्ट क्यों ना कर दूँ। ये सुनते ही डॉक्टर बेटी डेडपूल से कहती है उन्हें जो चाहिए वो दे दो वरना वो हमें मार देंगे। तब डेडपूल उसे कहता है मेरी कलीग ने सजेस्ट किया है कि हम किस तरह की अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जहाँ पर तुम हमें टॉर्पेडो से मारना दो, और जॉम्बी डेडपूल को दिखाते हुए कहता है और तुम्हें अभी ये चाहिए है ना। जिस पर हाइड्रा सब कमांडर कहता है तो तुम्हारा प्रपोजल क्या है। जिस पर वो बताता है हम इसे एयरलॉक से बाहर फेंक देंगे, तुम इसे लेने के लिए रुकोगे हम उतनी देर में भाग जाएंगे, हम जिंदा बच जाएंगे तुम्हें बायोवेपन मिलेगा और सब लोग जीत जाएंगे। तब हाइड्रा सब कमांडर कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी टर्म्स मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अगर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो देख लेना। और तब हाइड्रा एजेंट अपने सब कमांडर से पूछता है आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। जिस पर वो जवाब देता है बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत चालाक है लेकिन
एक बार हमें कार्गो मिल गया, उसके बाद उस शटल को मारना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी हाइड्रा एजेंट कहता है, कमांडर उन्हें वो मिल गया। तब वो कहता है, ठीक है उसे मेरे पास लाओ, मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ कि वो वही है। और वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें बॉम्ब था। इसे देखकर वो गाली तो देने की कोशिश करता है, लेकिन आधी गाली के बाद ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। हाइड्रा स्पेस स्टेशन को उड़ता देखकर डॉक्टर बेटी कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा ये आधा प्लान काम कर गया। जिस पर डेडपूल कहता है, ये मेरी फर्स्ट बॉम्बिंग नहीं थी। लेकिन तभी बिल पूछता है कि आगे क्या करना है। जिस पर डेडपूल कहता है, शटल साउथ फ्लोरिडा की तरफ ले चलो और वार्प फैक्टर 5। जिस पर वो कहता है, ये शिप वार्प नहीं कर सकती। लेकिन डेडपूल कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और तब बेटी पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ हम साउथ फ्लोरिडा क्यों जा रहे हैं। जिस पर डेडपूल कहता है, मैंने और इस हेड ने इस बारे में बात की थी स्पेस स्टेशन पर, इसे अब घर ले जाना चाहिए। और जब डेडपूल फोर्थ स्क्रीन तोड़ते हुए कहता है, ये अभी भी कंटिन्यूड है।